नमस्कार, रात के 9 बजे पर आप देख रहे हैं मौत के इस फ्लाईओवर में कई जिंदगियां छीन ली तो कई को इस तरह से हाथ में हाथ धर के बैठे रहने से क्या फायदा, कुछ तो करना होगा। बहू, तुम्हारा पास उसका किसी दोस्त का फोन नंबर है क्या? पापा जी, मैंने सभी को फोन किया लेकिन किसी के साथ भी आज वो नहीं मिले। आज क्या उसका बाहर का ही काम था? कहा तो था कि ऑफिस होके फील्ड पे जाएंगे लेकिन आज तो वो ऑफिस ही नहीं गए, ऐसा उनके ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट ने कहा। चाचा जी। हाँ, कोई खबर मिला? नहीं बेटा, अभी तक कोई खबर नहीं है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। अभी न्यूज पे बताया गया कि दो डेड बॉडी मिली है। हाँ, सर कुछ नहीं होगा। एक बार सोचिए चाचा जी, ये जो ब्रिज है ना, ये पूरा ब्रिज ही गिर पड़ा और ब्रिज के ऊपर नीचे ना जाने हर रोज कितने लोग आते जाते रहते हैं। और ये न्यूज वाले बता रहे थे कि सिर्फ दो ही बॉडी मिला। शांत हो जाओ, शांत। ना जाने कितने लोग मरे होंगे, क्या पता। अच्छा बहू, तुम्हें सही में मालूम है ना कि राजेश का आज उसी इलाका में ही काम था? हाँ बाबूजी। हाँ, उन्होंने तो मुझे कल यही बताया था। चाचा जी। हाँ, मुझे लगता है कि हमें और देर करना ठीक नहीं होगा। एक काम कीजिए। हाँ, आके एक राजेश का एक तस्वीर लेके तुरंत थाने पे जाके एक मिसिंग गाड़ी करके। हाँ बेटा, तुम सही बोला है, चलो वहीं चलते हैं। अच्छा बहू, तुम्हारे पास राजेश का कोई अगर तस्वीर है तो लेके आना जरा। हाँ, चाची जी, आप रोइए मत। अब आप भी क्या कर सकती है, इतना अच्छा लड़का, वो भी इस उम्र में। सोचने से ही मन। अब तुम भगवान से प्रार्थना करो, अब उनके अलावा कौन है हमारा। चलिए बाबूजी, फोटो मिल गई। अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो भोला का साथ जा ही रहा हूँ। नहीं बाबूजी, मत रोकिए मुझे, मैं आज जाऊंगी। चलिए, चलो चलो, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। भगवान, एक जीता जागता लड़का, आज सुबह ही उसको मैंने मोड़ पे देखा था। इतना हंसमुख था वो। अब सोचो जो हादसा हुआ उसको तो सोचने में ही हम लोगों को डर लग रहा है। ना जाने कितने लोग, कितने गाड़ी ब्रिज के ऊपर आते जाते हैं। क्यों, नीचे भी तो कितने सारे दुकान है और कितने सारे लोग आते जाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से ब्रिज टूट पड़ा ना, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग मगे हैं।
बॉडी आइडेंटिफाई हुए ना, इसमें से एक अगर राजेश हुआ तो वो हमारा था। अरे सुना है कि उसकी बहू प्रेग्नेंट है। हाँ सही में, मैंने भी ऐसा सुना था। बेचारा अपने बाप को भी नहीं देख पाया, कैसे फूटी किस्मत देखो। एक तरफ से देखा जाए तो इतने खराब खबर के अंदर भी एक अच्छी खबर है। राजेश तो एक छोटा मोटा इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था ना, तो अगर उसको 5,000 रुपये मिल जाए तो। अरे सरकारी पैसा भाई, कितना मायने, कितना साल गुजर जाएगा तब भी पैसा मिलेगा तब ना। अगर बीच में गवर्नमेंट चेंज होगा तो बस हो जाएगा। वो भी बात है यार, तो घर आ गया। अच्छा अच्छा, तो मैं निकलता हूँ। ठीक है बेटा। और भाभी जी आप एक काम कीजिए, थाने से अगर कोई फोन आए ना तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। अच्छा अच्छा, फोन ऑन रहेगा। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन बहू घर जाके सासू माँ को क्या बताओगी? थाने से जो बताया वही बताएंगे। उन लोगों ने तो राजेश का फोटो सारे थाने में भेज दिए है, खास करके उसी थाने उसी इलाके में भेज दिए जहाँ पर वो वारदात हुई है। हाँ बाबूजी, पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया है, इस बात को लेकर शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं है। ना जाने कितने लोग जब के तरफ तरफ के मरे होंगे। हाँ बाबूजी, उन लोगों के घर का हालत भी हमारे जैसा ही है। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हम लोग आ रहे हैं, पता नहीं इतनी रात को कुछ मिलेगा। कल सुबह आइए अगर प्रॉब्लम है तो। हम लोग आ रहे हैं। ओके ओके, तब आप जल्दी आ जाइए। हम लोग अभी ही आ रहे हैं। ओके ठीक है मैडम, आपका अगर प्रॉब्लम नहीं है तो। हम लोग आ रहे हैं। ओके बोला तुम अपने घर के पास ही रहो, हम लोग सबको यहाँ रहे हैं अभी एक्चुअली। हाँ थाने से फोन आया था, ये लो बहू से बात करो लो। हाँ उन लोगों ने थाने पे ही जाने के लिए बोला। बहू तुमने तो कुछ खाया भी नहीं है। ठीक है चलो, भोला इंतजार कर रहा होगा, चलो। क्या हुआ? मैं तो ऊपर छत पे सो रहा था।
बातें दोहराने की और जरूरत नहीं है। चलो खाना गर्म कर लो, आज सब एक साथ मिलके बैठ के खाएंगे, काफी रात भी हो चुकी है। वहाँ पे क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, मैंने भोला को सब फोन करके बता दूंगा। तुम्हें काम करो, कल सुबह जाके मंदिर में माता रानी को प्रसाद चढ़ा, ठीक है? कोई बताएगा नहीं क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, खुदा पहाड़ लज हुआ। हाँ